हरे राम Rama Rama
अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर में व्याप्त सच्चिदानंद घनानंदन खंड परमात्मा की अद्भुत करुणा और कृपा से होली महोत्सव के निमित्त एक शिविर की शुरुआत लिमिटेड इसमें शिविर की शुरुआत में सुबह तो थोड़ा सा मामूली चर्चा हो गई, थोड़ा सा ध्यान हो गया। दोपहर के समय सत्संग का रखा गया है, इसलिए आपको थोड़ा नयापन लगेगा शिविर के माध्यम से, क्योंकि शिविर में बस पहली बार चारुकेश्वर में समय चेंज किया गया था और अब ये दूसरी बार यहाँ समय चेंज किया गया। शुरू दिन है, आप घबराए नहीं, परेशान ना हो, गर्मी में इसलिए भगवान ने थोड़ा ठंडा भी कर दिया राजी करने के लिए हम सभी को। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। शुरू दिन में ही अगर पसीना निकलने लग जाए तो आप सोचोगे कहाँ फंसे, अब 5 दिन कैसे निकलेंगे। भगवान ने सोचा जरा सा ठंडा कर दो तो उनको लगे कि चलो दोपहर में भी है तो कोई हरकत नहीं। आपको अच्छी तरह मालूम है, कुछ भी नहीं छुपा है मेरा आपसे करीब करीब। भगवान जो प्रेरणा दे देते समय पर वही शुरू हो जाता है, उसी विषय को लेकर सत्संग शुरू हो जाता है। अभी लगा कि थोड़ा सा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव के निमित्त ये शिविर होता है। कुछ न कुछ निमित्त तो लिया ही जाता है और महत्वपूर्ण उत्सव है होली महोत्सव। सुबह के सत्र में वो थोड़ी सी चर्चा हुई कि होली के इन 5 दिनों के सत्संग के माध्यम से ऐसे संस्कारों को जलाने की कोशिश करेंगे हम जो होली में एक उस प्रतीक को लेकर लोग वो लकड़ियां तुरखाटियां गोबर के कंडे ऐसी चीजें इकट्ठी करके जला देते हैं प्रतीक करके, होली का दहन हो गया, होली जल गई। उसी में वो तो एक प्रतीक मात्र है, एक परंपरा को जीवित रखने के लिए इस तरह किया जाता है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम हमारे कुसंस्कारों को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं जितना हो सके। मैं तो ये कहूंगा कि मनुष्य जब से पैदा होता है अंत समय तक वो अगर सच्चाई से खोजे अपने अंदर, उसको कमियां मिलती ही जाएंगी, और वो कमियों को अगर हटाता जाए, कोशिश करता जाए, हताश निराश नहीं होना है, कमियों को प्रोत्साहित नहीं करना है, लेकिन उनसे हारना भी नहीं। हमारी भीतर जो कमियां है उनको प्रोत्साहित नहीं करना है कि चलो ठीक है, नहीं तो बुरी बात है, लेकिन उनसे हार भी नहीं मानना है कि ये हमारे में अवगुण है, ये हम में कमी है, तो अब क्या करें, कोई इलाज नहीं है, इस तरह हारना भी नहीं है। प्रतिवर्ष होली का दहन के माध्यम से ये उत्सव हमको ये याद दिलाता है कि वो हमारी बुराइयां, वो हमारी कमियां, वो हमारे राग द्वेष,
वो हमारे मन में कलुष्यता, मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति जो हो गया, वो सारे अवगुण होली दहन में, होलिका दहन में जला दिया जाए। कम से कम 12 महीने से, जो ऐसा तो है नहीं कि होली के दूसरे दिन से ही अवगुण शुरू हो गए या गलतियां शुरू, ऐसा नहीं, कभी कभी जो हो जाती है, सावधान रहने के बाद भी हो जाती है। गीता जी में भगवान कहते हैं, अर्जुन बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि को भी इंद्रियां बलात् हरण कर लेती, ऐसा आया है श्रीमद् भगवत गीता। बुद्धिमानों की बुद्धि को भी इंद्रियां बलात् हरण कर लेती, जबरदस्ती हरण कर लेती, इतना विकारों का, विषयों का बाहुबल्य होता है, इतना बलवान होते। तो जो भी कुछ हो जावे, एक दूसरे से मन मुटाव हो गया है, कोई नियम संयम टूट गए हैं, किसी विषयों ने हमारे सद्गुणों के ऊपर आक्रमण कर दिया है, जिसको लेकर होली महोत्सव मनाया जाता है कि प्रह्लाद के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया, भक्त प्रह्लाद के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया, और उसी माध्यम को लेकर होलिका की शुरुआत हुई, दूसरा इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर जो जो परंपरा लोग उसका अलग रूप बना देते हैं, उसकी गहराइयों में न जाते हुए काल्पनिकता में लाके और अपने मन घड़ंत अपनी सुविधा के अनुसार वो सारी सुंदर परंपरा को तोड़ मरोड़ के जिसका स्वरूप बिगाड़ देते हैं, उस समय में भगवान क्या कहते हैं, मानव की मानवता स्थापन करने के लिए। मनुष्य एक प्राणी है, लेकिन उसमें जो मानवता का विकास होना चाहिए, जिसके कारण वो मानव हो जावे, इंसान हो जावे, विद्रूप हो गया है। जैसे हम धूप में काम करें तो कपड़े खराब हो जाएंगे, पसीने से ये सब बिगड़ जाएगा, शरीर का चेहरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्या करेंगे, आएंगे स्नान करेंगे ठीक ठाक, कपड़े साफ करेंगे, धोएंगे, पहनेंगे और फिर लगेंगे कि बहुत अच्छे। इसी तरह ये मानव सृष्टि में एक देश या एक सभ्यता संस्कृति की बात नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी का मानव तो जब अस्त व्यस्त होने लगता है, बिगड़ जाता है उसका असली स्वरूप, उसी प्रश्न को लेकर भगवान घोषणा करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे संभवामि युगे। इस बात को लेकर ये घोषणा की गई, घोषणा की है, जाहिर आश्वासन दिया संसार को, यदा यदा ही माने जब जब, यदा यदा ही अधर्मस्य धर्मस्य, धर्म धर्म माने इंसानियत को, मानवता को, मानवता का जब सब ढंग बिगड़ जाता है, मनुष्य राक्षसी वृत्ति में जीने लगता है, आसुरी वृत्ति में जीने लगता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है उसका, उसकी बल बुद्धि समझ बेढंगा हो जाता है,
अधर्म हो गया, उसका नाम अधर्म है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लानिर्भवति भारत, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता जी में कि भारत के ऊपर जब ग्लानि होती है तब मैं प्रकट होता हूं, लेकिन ये श्लोक के इस शब्द का ये भाव नहीं है। इसका बहुत सुंदर भाव है, भगवान अर्जुन को अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था में चर्चा के मोड में अर्जुन को भगवान अलग अलग नामों से संबोधित करते, बार बार अर्जुन न कहने के बजाय कभी हे भारत, हे गुड़ाकेश, अलग अलग नाम, हे कौंतेय, अलग अलग नामों से, हे अजान बाहु, कभी अर्जुन को पांडव भी कहते, हे पांडव, भगवान अलग अलग नामों से। इसलिए इस शब्द में भारत शब्द अर्जुन को कहा, हे भारत, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब मनुष्य में इस पृथ्वी के ऊपर ग्लानि हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है उनका जीवन, अस्त व्यस्त हो जाता है उनका जीवन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये उनको सूझता नहीं है, तो गायक प्रदीप जो हो गए, उन्होंने एक पद में गाया है, शायद उन्होंने गाया किसने, मानव दानव बन बैठा किसको, ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, अच्छा जोत से जोत जगाते चलो, ये तो इसी में है ये शब्द, ये शब्द है, मानव दानव बन बैठा है किसको सुनाए व्यथाए, मानव दानव बन बैठा है किसको सुनाए व्यथाए, मानव दानव बन बैठा है किसको सुनाए व्यथाए, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, हमको एक शब्द की आवश्यकता थी। मानव जब अपनी मानवता को खो बैठता है, मानव दानव बन जाता है, मानव देवता भी बनता है और मानव दानव भी बनता है, उसकी मर्जी की बात है, ईश्वर का हस्तक्षेप उसमें नहीं। तो मानव जब दानव बन जाता है, आसुरी वृत्ति का विकास कर लेता है अपने जीवन में, सारी इंसानियत खो बैठता है मनुष्य, उसको कहते हैं कि धर्म में ग्लानि हो गई, उसका नाम है ग्लानिर्भवति भारत। और भारत संबोधन किया अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम, उसका उत्थान करने के लिए,
उसको पुनः अपनी जगह प्रतिष्ठित करने के लिए, उस मानव की दानवता को निकाल फेंकने के लिए और उसकी मानवता को कायम रखने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, अभ्युत्थानम, उसका उत्थान करने के लिए, अधर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बोलो, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, आत्म में प्रतिष्ठित करता हूं। हम दो प्रकार से जीते हैं हर एक व्यक्ति, एक बाह्य एक अंतरिक्ष, उसी को दुविधा कहते हैं। और दुविधा स्थिति को बहुत हल्की अवस्था बताए, जो दो में जिए। दो में माने अंदर कुछ बाहर कुछ, इसको दो कहते। बाहर तो हमारे चेहरे, बाहर तो हमारा रहन सहन अलग ही ढंग का है, लेकिन अंदर हमारे विचार, अंदर हमारा रहन सहन कुछ और ही ढंग का है। ये द्वेत दो, एक आरोपित है और एक ओरिजिनल है, शाश्वत है। एक सत्य है एक असत्य है, और सत्य का अभाव नहीं, सत्य कभी मिटता नहीं, और असत्य का अस्तित्व नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं। जैसा ये चेहरा है, इसके ऊपर मेकअप किया गया, पाउडर लगा के नाना प्रकार के रंग रिपेरी की है। आप बोलोगे हम गरीब लोग, अपन जो है छोटे छोटे गांव में रहने वाले, अपने को ज्यादा नहीं मालूम है। हाँ, नहीं तो हमारी माताएं कहेंगी बापू मनुष्य भी रंग रिपेरी करते, हाँ वो भी रंग रिपेरी करते, रंग रिपेरी करने की दुकानें होती है शहरों में, उसमें जाते हैं मेकअप करने के, लाली लगा दे ओठों पर। हमारी गरीब माताएं देखे रंग रिपेरी वाली माताओं को, उसके लोग होठ इतने लाल है, मोटे लोग छे भाई सच्चिदानंद मोटे लोग, बड़े लोग हो गए तो चमड़ी नहीं अलग हो गई, चमड़ा तो वो कब ही है पांच तत्व का, रंग रिपेरी किया है। लेकिन वो रंग रिपेरी क्या है, शाश्वत है या आरोपित है? आरोपित है। वास्तविक में वो रंग नहीं है जो दिखाई दे रहा है, वो धुलने के बाद जो असलियत है वो सामने आ जाएगा। हाँ, ये था सच। इसलिए असत्य का अस्तित्व नहीं, असत्य कहीं टिका हुआ नहीं है, असत्य का कोई फाउंडेशन नहीं, कोई पाया नहीं, असत्य है। और सत्य का अभाव नहीं, सत्य को कोई कुछ भी करे ढकने की कोशिश, लेकिन सत्य तो मिटेगा ही नहीं, मिटता ही नहीं है, शाश्वत है ना वो। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम। हे अर्जुन, परित्राण करने के लिए किसका? साधु जनों का। फिर हमको लगे कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण, उनका उद्धार, उनका उत्थान, उनकी सुरक्षा, और फिर हमारी सुरक्षा कौन करे?
हम तो साधु नहीं है, हमारा उत्थान कौन करे। भगवान ने एकांगी शब्द क्यों कहे, एक तरफा क्यों बोले, उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। साधु शब्द लगाकर भगवान ने किसी एक ग्रुप को, किसी ट्राविक लोगों को ही संबोधन नहीं किया है, जिन लोगों की वृत्ति साधु स्वभाव की है, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, कोई भी रूप में हो, जिनकी वृत्ति साधु स्वभाव की। साधु स्वभाव की वृत्ति माने सादगी पूर्ण जीवन, एकांगी जीवन, जो भीतर सो बाहर, जो बाहर सो भीतर। साधु को कोई कहे कि तुम मेकअप करो, क्या कहेगा, क्यों? अरे महापुरुष चर्चा करते हैं कि भगवान को उस मेकअप की क्या जरूरत है। भगवान का मेकअप है, वो उन मेकअप से खुश होता है, वो चाहता है कि मेरा बनाया हुआ मानव ऐसा मेकअप करे। कौन सा? सुसंस्कारों का मेकअप करे। सुसंस्कार, पवित्र संस्कार, अच्छे संस्कार, उसकी समझ, उसकी सोच, उसका रहन सहन ऐसा हो जो सबको स्वाभाविक प्यारा लगे, स्वभाव से प्रिय लगे, बिना कुछ लिए दिए ही अच्छा लगे। कि उस व्यक्ति से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, उनका रहन सहन, उनके आचार विचार, उनका व्यवहार इतना अच्छा है। राक्षसों के सामने जब भगवान राम गए, बहुत से राक्षसों ने धनुष के ऊपर बाण संधान किया और आकर कहते हैं रावण को, मालिक इतना सुंदर स्वभाव है, इच्छा नहीं होती कि हमारे दुश्मन है, इच्छा नहीं होती हम इनको मार दें। भगवान शिव कहते हैं भवानी ऐसा स्वभाव था। श्री राम जी का स्वभाव कैसा था? उमा राम स्वभाव जिन जाना। भगवत्ता की बात नहीं की कि वो भगवान थे इसलिए, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भावन आना, ताही भजन तजी भावन आना, ताही भजन तजी भावन राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भाव जाना, ताही भजन तजी भाव जाना। भगवान शिव कहते हैं हे भवानी उमा, जिन्होंने मेरे राम का स्वभाव जान लिया, प्रभाव नहीं, प्रभाव जानने के बाद तो कोई भी भजने लग जाएगा, प्रभाव जानने के बाद तो कोई किसी की भी पूजा करने लगेगा, वो एक अलग चीज है। प्रभाव हर किसी के पास नहीं रहता है, वो तो किया है किसी ने जन्म जन्म से मेहनत, या अभी करेंगे पुरुषार्थ तो होगा उसका प्रभाव, वो एक अलग चीज है। एक सड़ा सा आदमी भी ऊपर जाके नेता बन जावे तो बेचारे खूबसूरत लोग भी उसके पीछे तकिया उठावे, जूते उठावे, प्रभाव है उसका। कोई पूछेगा कि है क्या वो, अरे बहुत बड़ा मंत्री, मंत्री है, बहुत बड़ा अधिकारी, इसलिए करना पड़ता है।
वो एक अलग चीज। लेकिन स्वभाव, स्वभाव में तो कोई लेन देन नहीं है। स्वभाव तो क्या स्वभाव है उस व्यक्ति का, मैं तो उसके सामने जाते ही पानी होगा। मैंने बहुत कुछ सोचा था, जैसे समुद्र पार करने के बाद 100 योजन समुद्र पार करने के बाद सारी सेना, वानर सेना, बंदर भालुओं की सेना, राम और लक्ष्मण के साथ, भगवान के साथ जब पार कर गई और छावनी डाली गई, छावनी डाली है, रावण ने अपने गुप्तचर भेजे, क्योंकि ये युद्ध की नीतियां हैं। रावण ने गुप्तचर भेजे सुक और सारंग नाम के, आप जाओ और उनकी व्यूह रचना देख कर आओ, चुपचाप जाओ। उन्होंने क्या क्या व्यूह रचनाएं की है, किस तरह हम उन पर आक्रमण कर सकते हैं, किस तरह वो हमारे आक्रमण का जवाब दे सकते हैं, बारीकी से देख के आना। सुक और सारंग दोनों गुप्तचर वेश बदल कर गए आकाश मार्ग से, गए हैं वेश बदलकर, देखा युवा रचना। उतने में विभीषण महाराज घूम रहे थे, विभीषण तो रावण के भाई थे, लेकिन वो राम जी की शरण में चले गए, और शरण में जाने के बाद वो उनके हो गए। व्यवस्थाएं देख रहे थे, तुरंत शुक ने सारंग से कहा कि विभीषण की दृष्टि से बचना, वो असुरी माया जानता है, उसने अगर उसकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो अपना भांडा फूट जाएगा। बोले हां, हम उससे बच बच कर ही काम करेंगे। और उतने में विभीषण सामने आ गए, उन्होंने कहा शुक सारंग अपने वास्तविक रूप में आओ, फूट गया तुम्हारा भांडा, बच नहीं सकते मेरे निगाहों के सामने, आ जा। सुख सारंग को आना पड़ा, भगवान राम जी अपनी निवास के बैठक में, सभा में बैठे हैं। एक दूत गया, भगवान विभीषण महाराज ने शत्रु पक्ष के 2 गुप्तचर को पकड़ा है, लाए आपकी आज्ञा हो तो। भगवान इनका मत, इनकी भावनाएं जानने के लिए थोड़ी सी बात छेड़ देते हैं। सुग्रीव, बाली का भाई सुग्रीव, जो राम जी का मित्र हो गया था, महाराज सुग्रीव आपका क्या सोच है इसके बारे में, ये शत्रु पक्ष के 2 गुप्तचर है, ये वेश बदलकर हमारी रणनीति को चेक करने के लिए आए, हमारी व्यूह इसकी रचना देखने के लिए, क्या किया जाएगा, इनको कौन सा सजा दंड दिया जाए। सुग्रीव ने कहा प्रभु उचित तो यही होगा, इनको प्राण दंड दिया जाए। ठीक, विभीषण महाराज आए, महाराज विभीषण आप क्या सोच चाहते हो, इनके लिए क्या किया जाए। बोले महाराज ये अगर हमारी सारी गुप्तचर गुप्त योजनाएं देख लेते हैं तो हमको बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए ये बहुत बड़े दंड के अधिकारी है, छोड़ा नहीं जाएगा। धीरे से भगवान श्री राम कहते हैं मैं अपना मत रखूं, प्रभु आप स्वतंत्र। महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव ये रणनीति के डावपेच है, ये व्यवस्था है, एक शत्रु दूसरे शत्रु पक्ष के बलाबल का अंदाज लगावे, ये तो रणनीति है।
और इनके राजा रावण ने इनको भेजा, इसमें गलती क्या की इन्होंने, देख ही तो रहे हैं। जब सामने वाले से हमारा मुकाबला करना है तो हमारे बल की थाक लेना, हमारा अंदाज लेना, हमारी शक्ति को नाप तोल कर देखना, ये तो एक चतुर राजा का काम है। तो महाराज रावण ने इनको भेजा, इसमें कोई गलती नहीं की। हमारा आदेश है महाराज विभीषण, इनको छोड़ दिया जाए और इनको खुले दिल से एक एक जगह दिखाई दे। केवल किसी की रणनीति की योजना देख लेने पर किसी का विजय, कोई विजय नहीं होता है, किसी की जीत नहीं होती है। जीत तो होती है सत्य और असत्य के बल पर। अगर हमारे पक्ष में सच्चाई है तो निश्चित हमारी जीत है, रावण के पक्ष में सच्चाई है तो उसकी जीत होगी। इनके देखने मात्र से हमको घबराने की क्या जरूरत है? जाओ ठीक से पूरी छावनी इनको दिखा करके और भेज दिया जाए। जाकर अपने महाराज रावण से कहना कि अब भी मौका है, शरण में चला जा, किसी की रचना देखने से आपकी जीत नहीं होने वाली है। यूं कह दे, मैं इस कथा में इसलिए गया, सुख और सारंग भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। अब इसमें कोई भगवत्ता है या कोई चमत्कार है क्या इस बात में? एक अच्छा साफ सुथरा इंसान, एक सद्गुण संपन्न व्यक्ति इस तरह का निर्णय ले सकता है और इस तरह का व्यवहार दुश्मन के साथ भी कर सकता है। ये सिखाया है मनुष्यों के लिए। सुख और सारंग हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और कहने लगे, प्रभु हे भगवान, आपके चरण से जाने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन हम किसी से बंधे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जय जयकार है आपकी, आज तक ऐसा शत्रु नहीं देखा। दुश्मन तो दुश्मन होता है, किसी भी प्रकार से सामने वाले को किस तरह नाश करे ये उसकी भावना होती है, ये उसकी नीति होती है, लेकिन धन्य है आपको कि आप एक शत्रु के दूत को और पूरी तरह मुक्त आजादी देख लो, अच्छी तरह देख और जाओ, कह दो जो देखा है वो यथार्थ बता दो तुम्हारे महाराज। नेत्र गीले हो गए दूतों के और जाकर वहां कहते हैं, महाराज श्री राम जी के सन्मुक्त हो। इसी बात को लेकर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे भवानी, जिन्होंने राम स्वभाव जान लिया, राम का स्वभाव। आप कहोगे कि बापूजी वो तो भगवान थे, हम भगवान पक्ष की बात नहीं कर रहे, ऐसा स्वभाव हम भी निर्माण कर सकते। इतना साफ सुथरा, इतना ऊंचे विचार वाला, शत्रु में भी मित्रता के भाव से देखे, ये मनुष्य कर सकता है विकास इस चीज का, इसमें भगवत्ता की कोई बात नहीं। इसलिए कहा, हनुमान जी महाराज की जय बोलेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लाल देह लाली लसे धरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दल, जय जय जय।
कविसु पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भो। ऐसे छोटा मोटा संकट आ जावे तो हनुमान जी को याद कर लेना पड़ता है, तो ये काम बाहर के बाहर नहीं पड़ रहा। ये आया ना बादल आवे, टेंट उड़ा देवे, कुछ कर देवे, बहुत हंसेंगे हनुमान जी की मुशाबार। फिर जावे किसकी शरण में भाई। इसलिए उमा राम स्वभाव जिन जाना, बहुत सुंदर स्वभाव, इसको दैवी स्वभाव बोलते। और ये स्वभाव जिसमें प्रकट हो गया उसी को साधु कहते हैं। साधु किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं है, साधु की कोई विशिष्ट समाज नहीं होती है, कोई एक मर्यादित देश नहीं होता है जिसमें साधुता प्रकट हो गई। इसलिए कहा परित्राणाय साधु नाम, ऐसे सज्जनों का परित्राण करने के, ऐसे सज्जनों को संभाल के क्या होगा। अभी हमारे देश की 20 लाख मिलिट्री फोर्स है। कई लोग बोलते हैं छोटे ना समझ, जब उनको कोई काम धंधा थोड़ा रहता, खाते पीते और पड़े रहते मस्त, बार बार थोड़ी युद्ध होते हैं, तो कभी कभार मौका आता है मजा उड़ाते कोई काम में, पीरियड कर लिए सुबह इसमें उसमें बैठ। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, बैठे ही है, देश के सीमा पर उपस्थित मात्र है, कोई बहुत बड़ी सुरक्षा है। भले ही काम न करे लेकिन जब काम आएगा तब अटेंशन, खबरदार तैयार हो। इसलिए वो सबको पता है कि हर रोज उनको काम नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, फिर भी पूरी तरह उनकी सुरक्षा, उनकी आवश्यकताएं, उनकी सभी तरह से व्यवस्थित व्यवस्था करके उन्हें संभाल कर रखा जाता है। 20 लाख लोग, करोड़ों लोगों की सहायता के लिए तत्पर है। जिस व्यक्ति में साधु स्वभाव प्रकट हो गया उसको संभालना अति आवश्यक है। आया समझ में? क्यों? अगर उसमें साधु स्वभाव प्रकट हुआ है और उसको संभाला न जाए, सुरक्षित न रखा जाए, तो यूं समझो कि बहुत बड़ी हानि हो गई। एक साधु स्वभाव का व्यक्ति लाखों लाखों जीवों में साधु स्वभाव जगा सकता था अगर उसको संभाला जाए। एक साधु स्वभाव का व्यक्ति अगर उसमें साधुता जागी है तो लाखों लाखों जीवों के भीतर साधुता जगा सकता है। सरकार कभी कभी बदमाश लोगों का जो संगठन होता है उनके लिए सोचती है कि आत्मसमर्पण कर दो, हम आपको फैसिलिटी देंगे, सुविधाएं देंगे, छोड़ वहां भी वो कभी कभी नहीं माने। और कभी कभी साधु स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने चले जावे तो बिना पूछे अपने जीवन को आत्मसमर्पित कर, आज तक हम में ये बुराई थी और आज से हम ये बुराई छोड़ दें। आपकी बात सुनकर, आपके पास बैठकर ऐसा दिल में आया कि अब हम ऐसा बुरा काम नहीं करते,
बता। इसीलिए उस व्यक्ति को संभालना, नारी हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, देसी हो विदेशी हो, किसी वेशभूषा और भाषा में हो, जिसके जीवन में वो स्वभाव जग गया, उसको सुरक्षित रखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्ट वृत्ति वालों का विनाश। जिनकी दुष्ट वृत्ति है, दुष्ट वृत्ति, एक व्यक्ति दुष्ट वृत्ति वाला है हजारों दुष्ट निर्माण कर सकता है उसके सामर्थ्य के अनुसार। एक दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हजारों दुष्ट व्यक्ति बना सकता है, जैसा एक साधु स्वभाव वाला व्यक्ति हजारों लाखों साधु स्वभाव प्रकट कर सकता है मनुष्य में। इसलिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। और वो अस्त व्यस्त हो गया है चेहरा मनुष्य का, मनुष्य एक शैतान बन गया, एक भूत प्रेत बन गया है, उसको नव जीवन देके, उसमें देवत्व की स्थापना करके, उसमें साधुत्व की स्थापना करके, उसमें इंसानियत को जगा के भगवान कहते हैं ये मेरा काम ही है, मेरा कार्य ही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युधानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना संभवामि युगे युगे। जब आवश्यकता पड़ती है वहां मैं प्रकट होता हूं। और किस रूप में प्रकट, कैसे प्रकट हो? मानव रूप में प्रकट होता है, जहां जितनी आवश्यकता है, जिसके माध्यम से जितना कार्य करना है, ऐसा भगवान प्रकट। और ऐसा ही प्रकट श्रीमद् भागवत में एक कृष्ण अवतार है, आवेश अवतार। जैसे नरसिंह अवतार हो गए, वो आवेश अवतार है क्रोधावेश में रणकश्यपु के लिए। नित्य अवतार नैमित्तिक अवतार अलग अलग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक प्रेम अवतार, और मैं तो कहूंगा कि प्रेम ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे सारा संसार एक दूसरे से जॉइंट है। अगर प्रेम रूपी सोल्यूशन न होता तो कितना खतरनाक है मनुष्य, रहता एक जगह नहीं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं की है, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ रखा है, और उसमें है केवल प्रेम। खतरनाक से खतरनाक व्यक्ति को जब कोई धमकी देता है तो वो यूं कहता है, ठीक है तुम तो भाग जाओगे, लेकिन देख लेना तुम्हारे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो हथियार डाल देने पड़ते, हथियार डाल देने पड़ते, कि ये भी तो बात सच है। कैसा चिपकाया है, कैसा जोड़ा है, वहां हार जाना खतरनाक तो बहुत था,
लेकिन सामने वाला कहता है कि परिवार नहीं बचेगा, मैं ही हथियार डाल दूं, मैं ही झुक जाता हूं। किसने की है? ईश्वर ने व्यवस्था की। और ऐसा ही श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद की कथा में एक प्रेम अवतार, पूर्ण अवतार, इंद्रधनुष्य जैसा अवतार जिसमें सब रंग है, सप्तरंग, ऐसा अवतार है श्री कृष्ण अवतार। और श्री कृष्ण अवतार होली में ज्वाइन करने का यहां आवश्यकता ये आई। होली तो सतयुग से है, बहुत पुराना माध्यम है उसका। हिरण्यकश्यपु के समय से, हिरण्यकश्यपु के बेटे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद और भक्त प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, होलिका ने तपस्या करके जो सिद्धि प्राप्त की थी अग्नि स्नान करने की, अग्नि में सुरक्षित रहने की, उस सिद्धि का दुरुपयोग प्रहलाद के लिए किया गया कि ये नहीं मरता है तो मैं इसे मारूंगी किसी तरह। और वहां पर होलिका दूसरों का नाश करने में खुद जल मरी। उस समय प्रभु भक्तों के हौसले बुलंद हो गए, भगवान के भक्तों के पावर आ गया कि कोई तभी रखवाला है सत्य का। और तब से ये शुरू हुआ। बाद में लाइट हो गया, डीम हो गया, क्योंकि आसुरी वृत्ति के लोग वो अगर होली मनावे तो उनको शर्म लगे, क्योंकि वहां मान हानि आसुरों की हुई है। और देव वृत्ति के लोगों का जय जयकार हुआ है। इसी को लेकर वो बीच में लुप्त प्राय हो गई और भक्त प्रहलाद के पौत्र माने नातू, भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि, इनके पिताजी का नाम विरोचन था। राजा बलि के पिताजी विरोचन, उनके बलि और राजा बलि ने ऐसी तपस्या की। उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा 101 यज्ञ कर डालो तो आप त्रिलोक्य के राजा हो जाओगे। और यज्ञ के बीच ही भगवान पहुंच गए वामन अवतार लेकर बलि से मांगने के लिए। राजा बलि भगवत भक्त था। देखो कितनी विषम सम विषम बात होती। हिरण्यकश्यपु बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी और भक्त प्रहलाद धर्मात्मा परम सज्जन, भगवान उनकी रक्षा के लिए आते। इसी तरह बलि भी राक्षसों के वंश में फिर एक महान हुए। और बलि ने कहा कि उस सच्चाई को हम पुनः जिंदा करेंगे, उसको मिटने नहीं देंगे, भले ही हमारे परंपराओं में उस तरह की ये हुई है। तो प्रहलाद भी हमारे थे, उसमें हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष वो भी हमारे थे, लेकिन जीत प्रहलाद की हुई क्योंकि वो सत्य के पक्ष में था, इसलिए हम उसको पुनः जागृत करेंगे और संसार को ये दिखाएंगे, बताएंगे कि कभी भी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, कभी भी सत्य का ही जय जयकार होता है। इसलिए बलि महाराज बलि ने पुनः होली के उत्सव को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में मनाया जाए शुरू। उसी को लेकर मंडली गाते हैं, राजा बलि के द्वार रची होली। आज शुरुआत में तो क्या गाएंगे, ढोल धमाके लेके बैठे तो उनका भी कोई होना चाहिए पूरा।
राजा बलि ने होली उत्सव को महत्व दिया, लेकिन व्यक्ति से वो वस्तु जुड़ी हुई होती है, व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। किसी ने खीर पूरी उठाई एक साधारण व्यक्ति ने और सामने वाले को कहा सुनने जैसा है कि आप ले लो, वो थोड़ा सा उसको हल्कापन लगेगा, क्यों हम कोई भीख मांगे, क्यों दे रहे हैं आप, हम भूखे, ले लो हम नहीं लेंगे। एक सिंपल व्यक्ति जो जाना पहचाना नहीं है और उसने खीर पूरी का बढ़िया ये लो, बोले कौन है देने वाला, हम नहीं लेंगे। और बापू ने एक चिमटी भर के शक्कर उठाई तो कहा कि आओ ये ले लो, मेरे भाग्य है, मैं धन्य हो गया, मुझे प्रसाद मिला, उन्होंने बुलाया मुझे प्रसाद। यू नीचे गिर जावे तो नीचे का कण उठा, क्या प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं, वो तो खीर पूड़ी दे रहा था, इन्होंने तो शक्कर दी चॉकलेट दी, दौड़कर वो लेना चाहिए ये लेना चाहिए, व्यक्ति प्रधान वस्तु प्रधान नहीं। वहां ये देखा गया खीर पूड़ी देने वाला कौन है, क्यों ले हम नहीं लेंगे। और जहां आपकी श्रद्धा है वो राख उठा के कुछ भी दे। इसी तरह महाराज बलि बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इतना पावर नहीं था जो भगवान कृष्ण है। इसलिए महाराज बलि ने होली को जगाया, लेकिन ठीक है जगाया जीवित रहा, पुनः उसमें महिमा जो उसका बिखरा गया। होली उत्सव एक अद्भुत पर्व है, इस तरह जो किया गया वो किसके माध्यम से, भगवान पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के माध्यम से। जब कृष्ण ने होली खेली तब संसार के समझ में आया कि पूर्ण अवतार ने होली खेली। अह सुखी श्रद्धा, दुखा हुआ दिल, टूटी हुई भावनाएं, इनको पुनः सर्जन, पुनः जोड़ने का, पुनः जागृत करने का, और आपका जो मूल स्वभाव है आनंद, उस आनंद को प्रकट करके और जो भी दुख क्लेश चिंता भय जो भी हुआ है वो मिट जाए और आप अपने आत्म स्वभाव में जग जाओ कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं अमर तत्व हूं। अकारण रो रहा था मैं, अकारण भयभीत हो रहा था मैं, मुझे पता नहीं था, जगाया गया मुझे इस माध्यम से। अरे तू सतचित आनंद है, घबराने की क्या बात है, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। हो गई कोई गलती भूल जाओ, अब नहीं करेंगे ऐसा संकल्प, पुरुषार्थ करेंगे और जगाएंगे अपने आप को। किसको जगाएंगे, अपने आप को जगाएंगे। क्या जगाएंगे, जो यथार्थ जो है हम वो, और हम सब जो है क्या है, आनंद स्वरूप, आनंद घर। इसलिए इसको जगत को समझाने के लिए प्रेतराणाय साधुना संभवामि युगे युगे। अब मैं प्रेम अवतार लेकर आया, कृष्ण कहते, और फिर गोकुल में होली खेली। ये लोग भाग में बोलते हैं, मैंने कहा राजा बलि का तो एक नाम मात्र लिया गया और बाद में तो किसके कारण उसको ये आया, उसलिए वही जोड़ा जाएगा जब जाए। गा दे।
सिंपल है, ये लोकगीत है, लेकिन उसके शब्द किसी से संबंधित है, इसलिए वो अच्छा लगा। गाओ। राजा बलि के द्वार मची है होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मची है होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार रची होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के। जबकि महाराज बलि के गुरु, महाराज बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो बिल्कुल विरोध में थे। शुक्राचार्य ने कहा कि आप तो वो देवताओं जैसे काम करते हो, आप आसुर हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव, जो सत्य है, जो सच है, उसको तो स्वीकार करना ही चाहिए। भले ही आपको अपमान लगे कि आसुरों का अपमान है, होली महोत्सव मनाना, क्योंकि होली का असुर पक्ष में थी और वो जली, प्रहलाद देव पक्ष में था, उसकी जय जयकार हुई और तुम होली मनाते। जहां संकल्प करने के लिए राजा बलि गए, भगवान वामन को तीन पांव तीन डग पृथ्वी मोच कर देने के लिए गए, उस समय शुक्राचार्य उनके संकल्प करने के झारी के कैटली का जो पाइप आता है ना चाय देने के लिए, ऐसे झारी का वो पाइप, उसमें शुक्राचार्य बैठ गए घुस के कि मैं पानी नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प होगा कहां। ऐसे ऐसे लोग जब भी थे, घबराना नहीं, अब कोई करे ऐसा, सतयुग में भी बोलते हो ना आप, अरे काम होने वाला था लेकिन इसने टांग अड़ाई बीच में, काम हो गया था ये बीच में टांग अड़ा देता। तो टांग अड़ाने वाले अनादिकाल से, वो अभी नया थोड़ा है। महाराज बलि संकल्प करने जा रहा है कि मेरे द्वार पर एक बटुक ब्रह्मचारी, चाहे भगवान नारायण क्यों न हो, लेकिन एक ब्राह्मण कुमार के वेश में कोई भिक्षा मांगने आया है, मजाल मैं अंदर बैठा रहूं, कदापि ऐसा नहीं होगा, चाहे जो मांग ले मैं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि पागल मेरी बात मानता नहीं है, वो झारी के इसमें पाइप में घुस गया शुक्राचार्य, जाम कर दिया, पानी बाहर आए नहीं। राजा बलि परेशान हो गए कि पानी नहीं आ रहा है, संकल्प करना है, क्या हुआ? भगवान कहे थे कि कुछ अटक गया होगा, एक थोड़ा सा सीख डाल दो, घास की, घास की शिखा सफा कर लो। भगवान को तो मालूम है कि बीच में अड़ंगा लगा के बैठा है, सफा कर लो। तो गए थे कि वो सफा करने गए, वो सीख से शुक्राचार्य की जब से एक आंख फूट गई, और तब से शुक्राचार्य एक आंख वाला हो प्रसिद्ध है, तो जाहिर बात फिर निकलना पड़ा। तो राजा बलि ने उसको बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया कि नहीं, आसुरी वृत्ति का नाश होना चाहिए, दैवी वृत्तियों का विकास होना चाहिए, इसलिए हम इसको पुनः प्रकट करेंगे। राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के, अरे राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के, मची रे होली रे, मची रे होली, राजा बलि के,
मची रे होली रे मची रे होली राजा बलि के हारे राजा बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के मन तोरे गुलाल उड़ाई के मन तोरे गुलाल उड़ाई के मन तोरे गुलाल मंगाई मन तोरे गुलाल मंगाई ये मन के सर रंग गोली राजा बलि के मन के सर रंग गोली राजा बलि के हारे राजा बलि के द्वार मती रे होली राजा बलि के अरे हारे राजा बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के। कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की, क्या गुलाल मंगाए रंग मंगाए, आनंद को प्रकट करना है ना, आनंद को जगाना है, क्योंकि आनंद बाहर से नहीं आता भीतर ही है, प्रकट करना है। तो प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा ना, माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा, और वातावरण के माध्यम से वो वस्तु प्रकट हो, वातावरण के माध्यम से। अगर आपको गुस्सा लाना है तो वातावरण बनाना पड़ेगा, गाली देना पड़ेगा आपको, बुरी बुरी बात कहनी पड़ेगी, निंदा करनी पड़ेगी आपकी, अपमान करना पड़ेगा आपका, वातावरण बन गया, गुस्सा आ जाएगा आप में। प्रेम जगाना है, आनंद को जगाना है, तो फिर उत्साही आह्लादित आनंदमय माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। इसलिए वातावरण बनाने की बात आई है, बहुत अच्छा। के मन तोरे गुलाल मंगाई के मन तोरे गुलाल मंगाई के मन के सर रंग गोली राजा बलि के मन के सर रंग गोली राजा बलि के हारे राजा बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के राजा बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के। देखो वातावरण का प्रभाव, आप सुबह सुबह उठो और गलत वातावरण में आपका कहीं से संबंध आ गया, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें आप पहुंच गए, तो आप वहां एक शब्द कहोगे कि आज क्या मेरा भाग्य खराब, क्या मेरा दिन खराब, कहां आ गया मैं, सुबह सुबह आज मेरा भाग्य खराब, आज मेरा दिन खराब है, किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। ऐसी जो ग्लानी आपके मन में आई किसके माध्यम से आई, वातावरण के माध्यम से। अचानक आप कोई गलत वातावरण में पहुंच गए सुबह सुबह, तो ग्लानी आ गई, ग्लानी से भर गए कि कहां अच्छा नहीं हुआ। इसलिए गुजरात के संतों ने कहा, जिन की सुबह बिगड़ी उसका दिन बिगड़ा, जिसकी शाम बिगड़ी उसकी रात बिगड़ी, और भी कहते वो गुजरात के संत विनोद में कहते, बोले जिनके आचार बिगड़ी उसका वर्ष बिगड़ गया, एक विनोद में कहते आचार बिगड़ गई तो साल भर बिगड़ गया वर्ष बिगड़। वातावरण और वातावरण बनाने के लिए सारी योजनाएं की गई,
महाराज बलि ने। नौमणि तोरे गुलाल मंगाए, 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 मन तोरे गुलाल मंगाई। दस मन के सर रंग भोली राजा बलि के, ओ दस मन के सर रंग भोली राजा बलि के। बोलिए परमती रे होली राधे राधे, राजा बलि के द्वार मंदिर होली राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मंदिर होली राजा बलि के। इतना साहित्य मंगाया, अभी आपने सुना कि व्यक्ति का महत्व होता है वस्तु से कई गुना, वस्तु महत्व नहीं होती है। और आज के स्वार्थी जमाने में, चालू वर्तमान युग में, लोग व्यक्ति से ज्यादा वस्तु को महत्व दे रहे हैं, इसलिए विषम परिस्थिति निर्माण हो रही। बहुत सुनने जैसा है, आज स्वार्थवश अज्ञान के कारण लोग व्यक्ति से ज्यादा वस्तु को महत्व दे रहे हैं। और मैंने तो जाए यहां तक सुना, शहरों के लोग बोलते हैं कि बापूजी इतना निचला स्तर हो गया मनुष्य का कि आप 10-20 हजार में सुपारी देकर किसका मर्डर करवा डाल। 10-20 हजार, एक बात निकली थी तो किसने कहा, मैंने कहा कि लोग 1,50,000 के लिए ऐसा भी कर देते। उन्होंने कहा 1,50,000 तो दूर, आप 10-15 हजार में भी इतने नीचे आ गए। 10-15 हजार के कीमत का उसका जीवन है क्या? अगर उसके जीवन की कीमत की जाए, एक दृष्टांत में बोलते थे पहले, शायद सुना होगा आपने, एक महात्मा के पास से गरीब आदमी चला गया और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मुझ पर कृपा करो, मैं बहुत गरीब हूं। तो महात्मा ने उसको नीचे से ऊपर तक देखना शुरू कर दिया, बहुत गरीब हो, बहुत गरीब हो, नीचे से ऊपर तक। महाराज आप क्या देख रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत गरीब हूं। ऊपर देखने से आपको मेरी हालत का क्या पता चलेगा? कहते कि महात्मा बार बार देखता है उसको नीचे से, तो मुझे तो कहीं गरीब नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो कोई गरीब नहीं नजर आ रहा है, तू सब कुछ है, सारी सुविधाएं तेरे पास, बहुत कीमती कीमती। बोले महाराज मेरी मजाक न उड़ाए, मुझ पर कृपा करें, मैं बहुत गरीब हूं, सच कह रहा हूं। संत ने कहा तो ठहरो, आपके पास कितना माल है और कितनी कीमती कीमती चीजें हैं, उसका हम आपको कीमत बताते हैं, उसके बाद कहना, बताओ कि हम जो है आपको 50,000 रुपए देंगे, आप अपनी एक आंख निकाल कर हमको दो। बोल नहीं महाराज ये कैसे हो, आप कोई देने की चीज है? अरे पैसे देता हूं ना। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, और दो आंख दे देगा तो 1,00,000 रुपए मिले, दोनों आंख दे दे 1,00,000 रुपए। अरे महाराज ये कोई बेचने की चीज है, तेरा एक हाथ दे दे 50,000, दूसरा हाथ दे दे 50,000, एक पांव दे दे 50,000 रुपए। व्यक्ति तो शर्मिंदा हो गया। संत ने कहा बावले, उस परम पिता परमात्मा ने ऐसे अमूल्य चीजें तुझे दी, अब उसको पुरुषार्थ कर,
आशीर्वाद में फुकट का जीवन जीने का मत सीख। कर मेहनत, पुरुषार्थ कर, सब कुछ होगा। इतना कीमती जीवन, इसी तरह आज का स्वार्थी मानव, इतना कीमती मनुष्य का जीवन, 10-20 हजार 50 हजार, जरा सी रंजीश, जरा सा थोड़ा सा मन मुटाव, उसमें सोच लेता है कि मर जाओ। अरे क्या तुझे माफ करेगा वो बनाने वाला? करेगा? पछताएगा वो, इतनी घटिया क्वालिटी कहां से बन गई मेरे हाथ? रोएगा। इसलिए वस्तु की कीमत नहीं, व्यक्ति की कीमत करो। यहां तक संतों ने कहा, जो तो को कांटा बोवे वाकू बो तू फूल, ताको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। अगर वो तुझे कांटे बोता है तो उसको फूल, तेरा फूल ही है। जो बोएगा सो उगेगा, मत घबरा, इतनी ऊंचाइयों को छू। तुकाराम कहते हैं संत तुकाराम, जेकार अंजले गांजले, प्यासी मणे जो आपुले, तो चिसा दोड़ खावा देते थे। इसका अर्थ मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि आप अन्याय को भी सहन कर लो, नहीं, अन्याय की जो उसमें प्रवृत्ति है उसको उसमें से निकालने की कोशिश करो। व्यक्ति को पकड़ रखो और व्यक्ति के भीतर जो प्रवृत्ति खराब हो गई, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मनुष्य को मारने के लिए नहीं, उसको जीवन दान देने के लिए, फिर क्यों ऑपरेशन करता है? वहां जो गलत कुछ हो गया है बीमारी, उस बीमारी को निकाल कर उसको स्वस्थ करने के लिए ऑपरेशन करते। इसलिए हमें व्यक्ति की बुराई को निकालना, बुराई को स्वीकार नहीं करनी है। तो किसको महत्व दिया गया? व्यक्ति को, वस्तु को नहीं। इस पद में कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की, गुलाल मंगाए, केसर घोली, रंग बनाया है, पर मारा किसने, किसके हाथ में क्या दिया गया जो उसको महत्व आए? बहुत अच्छा। इनके हाथ कनक पिचकारी, इनके हाथ कनक पिचकारी, इनके हाथ कनक पिचकारी, इनके हाथ कनक पिचकारी, इनके हाथ के सर घोली राजा बलि के, इनके हाथ के सर घोली बलि के, अरे राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के, ओ मची रे होली रे मची रे होली, राजा बलि के, रे होली रे मची रे होली, राजा बलि के, अरे राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मची रे होली, राजा बलि के। इनको जो है बांध देना, हवा में गिर राजा।
का बलि के द्वार मती रे होली राजा बलि के होरी हे द्वार मती रे होली राजा बलि के कृष्ण के हाथ कनक पीछे सारी कृष्ण के हाथ कनक पीछे सारी कन्हैया के हाथ कनक पीछे सारी कन्हैया के हाथ कनक पीछे सारी गोविंदा के हाथ कनक पीछे सारी गोविंदा के हाथ कनक पिचकारी राधा जी के हाथों में रंग गोरी राजा बलि के ओ राधा जी के हाथों में रंग गोरी राजा बलि के राजा बलि के द्वार मची रे राजा बलि के आए राजा बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के मची रे होली रे मची रे होली राजा बलि के राजा बलि के द्वार मची रे होली राजा बलि के कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी कनक बोलते सोने को स्वर्ण को संस्कृत में कनक कहते हैं कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय बहुत अच्छा एक संत ने कनक माने सोना स्वर्ण सोने को कनक है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय वो खाए बौरात है ये पाए बौरा है इसका बड़ा अच्छा अर्थ है संतों ने कहा कि कनक जो है सोना सोना जिसके पास हो उस आदमी को मद आता है मद माने अहंकार उसका तो गुण है वैसा सोने का गुण है वैसा अब भगवान के ऊपर वो लाखों नछार हो जाए स्वर्ण तो वो तो समर्थ है वहां कोई बात नहीं है समर्थ को नहीं दोष घुसाई देखो ना बेचारा गरीब आदमी पहले होली के त्योहार पर लोग सारी हंगाम आ जाती है रब्बी वब्बी वाला भी थोड़ा फार आ जाता है बना ले वे गरीब आदमी 200-400 रुपए की एक अंगूठी और होली में फिर उंगली हिलावे मची रे होली राजा बलि के हमने देखा है बचपन में गरीब आदमी उसके लिए 400-500-600 रुपए की चीज या 1000-1200 की बड़ी चीज 1000-1200 खींचे में होते ना तो यूं खींचा नहीं हिलाता जेब में होते तो ऐसा जेब नहीं हिलाता लेकिन स्वर्ण का प्रभाव है कनक का उसने डाला एक अंकी तो दिखा ताकि पता चले हाँ उसको ये साल हंगाम बहुत हुआ है दागिने बना लिया है कनक कनक पे सौ गुनी मादकता अधिकाय कनक तो ठीक है लेकिन उससे कहीं गुना अहंकार का पावर होता है वो अज्ञान बताता है कहते एक खाए बौरात है जैसा गांजा है अफीम है इससे भी व्यक्ति मदमस्त होता है मद आता है उसमें तो संत ने कहा कि वो तो खाने के बाद मद आता है ये तो केवल पाने के बाद मद आता जा मद आ जाता गांजा भांग अफीम जो है खाने के बाद मद आएगा लेकिन स्वर्ण जैसी चीज वो पाने के बाद ही मदा जा रहा खाते नहीं लोग सोने को केवल पाते हैं कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय वो खाए बौरात है ये पाए बौरा है बौरा जाता है
इसलिए यहाँ व्यक्ति का महत्व आया है। किसके हाथ में है? कनक सोने की पिचकारी भगवान कृष्ण के हाथ में, और राधा जी के हाथ में रंग का प्याला है। पांच दिन इसी पर चर्चा करना है। राधा क्या तत्व है, कृष्ण क्या तत्व है, जीव ब्रह्म और उत्सव क्या चीज है, इस चीज पर। अरे राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के। कहाँ से तो आए रे कुंवर, बहुत सुंदर गाओ। कहाँ से तो आए रे कुंवर कन्हैया, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से रे आए कुंवर, कहाँ से आई राधा गोरी राजा बलि के, कहाँ से तो आई रे राधा गोरी राजा बलि के। अरे राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के, राजा बलि के द्वार मचिरे होली, राजा बलि के। इतना अद्भुत रहस्य है इस बात में। अपने आश्रम में दो चार जगह से मासिक पत्रिकाएं आती, एक हमारा प्रिय आश्रम है, वहां से पत्रिका गोकुल से आई, वृंदावन से मासिक पत्रिका आती हमेशा, उसमें होली पर्व के ऊपर लिखा है। कुछ बातें तो एक युग के मान से कितना व्यवस्थित ढंग से उसको वो करना चाहिए, उसमें उससे उस माध्यम को लेकर ठीक ठीक लिखा है। कुछ माध्यम तो ऐसा लिखा है, मथुरा वृंदावन ब्रज की जो होली है, भारत में ब्रज की होली सबसे मशहूर, क्योंकि वो परंपरा है और सबसे अद्भुत मानी जाती है। तो ब्रज में होली, ब्रज माने उस एरिया का नाम है जिस एरिया में भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, सह शरीर जब थे, 84 कोस का एरिया। आगरा तक के उसमें एरिया में आ जाता है, आगरा मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव गोवर्धन, ये सब आ जाते हैं। वहां होली की एक अलग व्यवस्था है, उस समय से ही है और उस समय को वो अभी तक चलाते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि ब्रज में सब लोग भगवान कृष्ण को प्यार करते थे, तो कहते थे कि एक बार होली हमारे यहां होगी, एक बार होली हमारे यहां होगी, कोई कोई वर्ष कहते थे अब तो हमारे यहां होगी, इस तरह कहते। और वो सारे पंचायत बैठ के उस समय निर्णय लेके कहां होली करनी चाहिए, फिर सब ब्रज के लोग वहां जाकर होली कर। उस परंपरा अभी तक भी शायद आज यहाँ पर ब्रज के लोगों का रास मंडल आ रहा है, रास मंडल में होली का वो बताने वाले हैं, बड़ा अच्छा जो है। तो उसमें साधक जो है बाहर से आए,
वो अपनी अपनी जगह बैठेंगे। गांव के कुछ हमारे प्रेमी विशिष्ट लोग उनकी बैठने की व्यवस्था स्वयं से करेंगे। जरा छोटे बच्चे तकलीफ देते हैं इसलिए उनकी व्यवस्था पीछे की जाएगी, लेकिन सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। अच्छा है, अचानक आ गए वो लोग तो बात हो गई। तो ब्रज में ऐसी अलग अलग होली की व्यवस्था, आज बरसाने में कल गोकुल में, तो वहां कब से शुरुआत हो गई। मुझे भी निमंत्रण था और बहुत भाव से दिल से निमंत्रण था, बुलाया गया आपको ये उत्सव में आना ही पड़ेगा गोकुल में। हमने थोड़ा सा क्षमा मांग ली और नहीं जा पाया। कब से शुरू हो गई, 12, 13 और 14 गोकुल की होली का उत्सव था, मतलब इतने दिनों से हो गई। 12 तारीख से ही शुरू हो गई, 10 तारीख से शुरू हो गई होली, और अभी होली है 25 तारीख को, क्योंकि इस तरह वो मनाते। और इतनी सुंदर परंपरा, सब लोग इकट्ठे जाएंगे पूरे ब्रज के। वहां क्या थोड़े से लोग है क्या, उत्तर प्रदेश में ठाकुर जी आ रहे। सचिदानंद भगवान की स्वागत में गाओ गाओ। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, ओरी है मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ब्रज के रसिया की जय। मेरो कान्हा गुलाब बाद में समझाऊंगा, किशोरी मेरी बिल्कुल बिल्कुल भाव से। मेरो कान्हा गुलाब किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, गाओ गाओ सब। मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, कान्हा मेले नंद जी के अंगना, कान्हा केले नंद जी के अंगना, कान्हा केले नंद जी के अंगना, कान्हा केले राधे राधे हो राधे खेले, राधा केले रंगी गली, कुसुम कली राधा केले रंगी गली, राधे राधे माइक लेके बैठो पंजूसी, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब फूल कुसुम कली, कान्हा केले नंद जी के अंगना, कान्हा केले नंद जी के अंगना, अरे रे रे राधा केले बोलिए, राधा केले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, ओरिए काना मांगे माखन गोना, काना मांगे माखन गोना, काना मांगे माखन लोना, काना मांगे
माखन लोना। अरे राधा मांगे, राधा मांगे मिश्री की दही की चोरी मेरी कुशोमकली। राधा मांगे मिश्री की दही की चोरी मेरी कुशोमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुशोमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुशोमकली। बहुत सुंदर। कान्हा खेले नंद जी के अंगना, राधा खेले रंगीली गली। राधा क्या तत्व है उस पर बहुत चर्चा करनी। बड़े बड़े योगियों को भी नहीं समझ में कि राधा तत्व क्या है। अद्भुत है। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जा, कोटि जन्म की आपदा राधा रे। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। ब्रजनिधि दर्शन को आई, ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी। एक बार रसखान, भक्त रसखान हो गए ब्रज में। बहुत सुंदर। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव मझार। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। वाहन हो तो वही ब्रज जो नित कुंज पुरंदर धारण। जो प्रस्थान हुए भक्त प्रस्थान, अरब से आए थे और इतने महान हुए। कृष्ण दर्शन जब होते हैं रसखान को तो कहते हैं कि हे गोविंद, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वारियां मतलब एक अनपढ़ लोगों में मुझे जन्म मिले दोबारा। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव मजार। वाहन हो तो वही को जो धरियो कर छत पुरंदर धारण। अगर मैं मुझे पत्थर बना, हे प्यारे अगर मुझे पत्थर बनाना हो तो गोवर्धन का पत्थर बना। धरियो सिर छत्र पुरंदर धारण, पाहन हो तो वही गिरी को उसी गोवर्धन का पत्थर बना जिसको आपने कभी अपने उंगली पर धारण किया। यदि खग हो तो बसेरो करो, अगर मुझे पक्षी बनाना हो, यदि खग हो तो बसेरो करो, बसो नित कालिंदी कुल कदम कदम की धारण। यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर मैं पक्षी बनकर कृष्ण कृष्ण जपा रहा हूं। पाहन हो मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। ब्रजनिधि
रजनी जी दर्शन की प्यासी, रजनी जी दर्शन की प्यासी, रजनी जी दर्शन की प्यासी। वो तो भोजत गली गली किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो काना गुलाब किशोरी मेरी कुसुम। बाके बिहारी लाल ब्रज के रसिया की, सच्चिदानंद भगवान की। अभी थोड़ा सेटिंग नहीं हुआ है मामला, थोड़ा नयापन है ना। भगवान का स्वागत है रास बिहारी। बात कर रहे थे हम व्यक्ति का महत्व है, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा जी के हाथों में रंग घोली, राजा बलि के द्वार मची होली। महाराज बलि ने पुनः उसे जागृत तो किया, लेकिन उतना अट्रैक्शन नहीं हुआ लोगों को। ठीक है, एक राजा है, धर्मात्मा है, अच्छी बात है शुरू किया तो, लेकिन जब प्रेमा अवतार हुआ, श्री कृष्ण अवतार हुआ, और कृष्ण अवतार होने के बाद होली उत्सव क्या चीज है, ये भगवान ने कम समय में समझाया। जब भगवान श्री कृष्ण, अब हम भागवत के माध्यम से सत्संग करेंगे तो उसमें थोड़ा विस्तार से आएगा। उत्सव मनुष्य स्वाभाविक उत्सव प्रिय है। कई बार आपने सत्संग में सुना, बड़े से बड़ा दुख आया अपने जीवन में, आप उसको दोनों हाथ से कस के पकड़ने की कोशिश करो दुख को, लेकिन दुख टिकेगा, एक दिन सुख में बदलेगा। कितना ही बड़ा दुख है, एक दिन सुख में बदलेगा। सुख आता जाता नहीं है, सुख स्थाई है, दुख आता जाता है। जैसे हमको लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, लगता है ना हमको, लेकिन खगोल शास्त्र के हिसाब से, गणित से, सूर्य घूमता है या हम घूमते हैं? माधुरी ताई सांगा, हम घूम रहे। मुंबई चे लोक तुम्हाला जास्त बारीकीने माहित आहे, विज्ञानाचा विकास है ना। ठीक है, लगता तो है कि सूरज उगा, सूरज डूबा, हम वहीं के वहीं है, बरसों से मकान बांध बांध कर बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खगोल शास्त्र कहता है कि ऐसा नहीं है, सूर्य कहीं हिलता डुलता नहीं है, आप ही घूमते हो उसके पीछे, ये सब घर मकान लेकर आप ही घूमते हो, वो नहीं घूमते, हम घूमते, हमारी पृथ्वी घूमती, सूरज नहीं घूमता। इसी तरह कृष्ण अवतार हुआ है, प्रेम अवतार, तो दुख आरोपित है, सुख शाश्वत है। सुख माने आनंद, सुख की परिभाषा भी दूसरी है। सुख उन चीजों को कहते हैं जो इंद्रिय जन्य होता है, जैसे भोजन करने के टाइम स्वादिष्ट भोजन हो तो जीभ उसका रिजल्ट देती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो उस टाइम जो अनुभव होता है उसको सुख कहते हैं, लेकिन उसको लिमिटेड होता है, जब तक जीभ पर भोजन है तब तक, दूसरे दिन और भूखा मरेगा और कहेगा कि वो कल वाला बहुत बढ़िया था, वो अगर मिले तो ठीक रहता।
क्योंकि जैसा दुख आता है जाता है ऐसा सुख भी आता है जाता है। हम सुख की बात नहीं कर रहे, आनंद की बात कर रहे। आनंद कहीं आता जाता नहीं, आनंद परमानेंट है, आनंद हमारा स्वभाव है, ओरिजिनल आनंद है। फिर ऐसा क्यों दिखता है महाराज? आनंद है तो उस पर दुख आता है, संस्कारों के कारण, अज्ञान के कारण वो आते रहता है जाते रहता है। उसी शाश्वत सुख को पूरी तरह स्थायी करने के लिए उसके ऊपर दुख आए लेकिन टिके नहीं, ऐसा मजबूत करने के लिए कृष्ण अवतार का एक महिमा है। पूरे जीवन में कृष्ण एक शिशुकाल छोड़कर फिर रोए नहीं, दुख से घबरा के रोए नहीं। भगवान कृष्ण के जीवन काल में ऐसा नहीं है कि कुछ आया नहीं, सब कुछ आया। युद्ध का समय आया, जबरदस्ती आरोप आए, लोगों ने बदनामियां भी की, आरोप भी आए, चोरी के आरोप आए। एक द्वारका के राजा, उनके ऊपर एक बार चोरी का आरोप आया। उसमें माना जाता है कि चौथ चतुर्थी का जो चांद है, कौन सी चतुर्थी होती है वो? ज्याला पाहल्यानंतर कलंक लागतो। नहीं नहीं, गणेश चतुर्थी एक चतुर्थी है, साहजिक चतुर्थी के चांद को लोग देखने में ये करते सब कुछ आते, एक चतुर्थी है, ध्यान नहीं आ रहा है। भगवान को भी कलंक लगा था, भगवान श्री कृष्ण को सुमंतक मणि की चोरी करने का आरोप लगा था। सुमंतक मणि, ओ जाम्बवंती के पिताजी जाम्बवान है, मालूम है ना कथा भागवत? सुमंतक मणि चोरी हो गई, और वो भगवान, वो बोले उन्होंने देखा था और उनको बहुत अच्छी लगी थी, वो पावरफुल है, द्वारका के राजा है, तो उन्होंने ही उसको ये किया है, सुमंतक मणि की चोरी। भगवान कृष्ण उसका वध करके सुमंतक मणि ला कर दे। इस तरह आती है ना कथा, इसलिए कह रहा हूं कि सारे प्रसंग उनके जीवन में भी आए। आरोप लगने का भी प्रसंग आया, बदनामी भी हुई, जबरदस्ती युद्ध भी करने पड़े, शांति दूत बन के कौरवों की खुशामत करने गए। अरे भाई, हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप कुछ न कुछ हिस्सा, जब पांडव महाराज, पांडव और धृतराष्ट्र दोनों भाई है और दोनों भाई के बच्चे हैं, एक भाई जिंदा है धृतराष्ट्र, एक मर गया, तो कुछ न कुछ हिस्सा उनको देना चाहिए। दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक पर जितना आएगा ना उतना भी नहीं मिले, ऐसा अपमान भी सहन करते भगवान, आ जाते ठीक है। सारे प्रसंग आए लेकिन कभी दुखी नहीं हुए, मुस्कुराते रहे। कृष्ण सदा मुस्कुराए, हमारे महापुरुष कहते मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, यह हकीकत है कि जहां मैं उसको जीना आ गया। बजा देवता, थोड़ी सी आलस निकल जाएगी, जोर से बजा दिया करो। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो सब कुछ जीवन में आया, सुख दुख लाभ हानि सब कुछ आया, लेकिन सदा एक रस। और हम सबकी मांग क्या है कि हमारा आनंद जाए ही नहीं, आनंद टिका रहे।
दुख आरोपित है। अभी हम यहां बैठे बहुत आनंद ले रहे, बहुत हंस रहे, बहुत खुश हो रहे, और कोई घटना घट गई मेरी कहीं जहां मेरे विशेष संबंध हो, रिश्ते नाते, कोई घटना घट गई, उदाहरण दे रहा हूं, साधु के कोई रिश्ते नाते नहीं होते, उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत हंस रहे, बहुत आनंदित हो रहे, बहुत ही खुशियां मना रहे, और धीरे से आकर एक बैठ गया कि अब कैसे सुनाए, बात तो इतनी है कि इनकी सारी हंसी गायब हो जाएगी। धीरे से कान में आके बोले कि अमुक अमुक जो था उम्र क्या हो गया, ठीक, नमस्कार बंधुओं मैं जरा आ रहा हूं, ऐसा क्या हो गया भाई, अभी तो बड़ा अच्छा कीर्तन सुना रहे, कुछ ना कुछ घटना हो गई, कहां गई खुशी, कहां गया वो आनंद, किसने छीन लिया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आनंद वहीं के वहीं है। अगर 2 घंटे वो व्यक्ति वो सूचना लेकर बैठा रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो हम खुशियां ही मनाते आनंद में। अगर कोई कहते ही नहीं हमको, निरोप ही नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं, जैसे ही संदेश मिला और हमने उसको मान लिया, आनंद के ऊपर चढ़ा लिया, इसलिए इस तरह का हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि वो जैसी सूचना मिली बेचारे उनका आनंद ही गायब हो गया, कहीं नहीं गया आनंद, वही है अभी वहां पर। वो व्यक्ति सक्सेस होता उस समय, कौन सा व्यक्ति, जो ज्ञानी है, जिसने इस संसार की नश्वरता को समझा है, वो व्यक्ति वहां सक्सेस हो। कैसा, सुना है कि संत तुकाराम महाराज का लड़का मर गया और संदेश वाहक पहुंचा, कीर्तन चल रहा था, कीर्तन चल रहा, विठल 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 विठल। हमारे वारकरी संप्रदाय के बंधु बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से कीर्तन करते हैं, पैसे ज्यादा लूटपाट करते इसलिए गड़बड़ हो जाती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। निंदा हो जाएगी पर अब सच्चाई को कहने में भी कोई शर्म नहीं करनी। कुछ दिन पहले एक बुलाए, बुलाए माने हमारे प्रेमी ले आए, मैं बड़ा खुश हुआ कि पुराने अपने को बड़ा अच्छा सुनाएंगे, सुनाए, हम बड़े मगन बैठे थे, खुश होकर बैठे थे, हमने कहा कि जो है कुछ देना चाहिए। धीरे से हमारे साधक को कहा कि एक प्रेमी को पूछो कि हम उनको कुछ देना चाहते, अभी मेरा मानस वैसा ही, कैसा भाई, मैं फीकी चाय पीऊं तो मैं सबको बोलूंगा फीकी चाय पिया करो, उससे अच्छा रहता है, मुझे क्या मालूम कि मीठी, बहुत मीठी पीने वाले भी है, फीकी से उनका समाधान नहीं होता, लेकिन मेरी आदत फीकी चाय पीने की तो दूसरों को भी बोलती, और मेरी आदत कहीं जाऊं सत्संग में ज्ञान का मूल्य नहीं लेना चाहिए, नहीं तो समाज का भी उद्धार नहीं होगा और कहने वाले का तो होगा ही नहीं, हो कहीं से कहीं तो। ज्ञान क्या बेचने की चीज है, कोई प्रभाव नहीं, खत्म हो जाता है उसको, तो हमने सोचा कि शायद कुछ देंगे तो वो लेंगे ही नहीं, ज्ञानी आदमी है, लेकिन कुछ देना चाहिए प्रेम में। पूछा हमारे साधक ने, पूछा है एक प्रेमी से दूसरे से जो उनको लाए थे कि भाई क्या किया जाए, कुछ देना चाहते बापू, श्रीफल शाल, थोड़े से पैसे। धीरे से उन्होंने, भोले आदमी थे वो, उन्होंने धीरे से कहा कि थोड़े नहीं, मला असं वाटलं की घेणारच नाही, तरी काही 5-50 दिले पाहिजे,
तिकोण मेसेज मिळाले की नाही थोडे नाही मग सरकन माझा चेहरा उतरला सच्चिदानंद क्या है होली है अब होली में तो हो जाता है एक व्यक्ति के लिए नहीं बोलना चाहिए लेकिन आप जाकर प्रचार करोगे कुछ फायदा हो सकता है आप यूं ना समझे कि बापू वो बात सुनकर चेहरा उतर गया नहीं वो बात सुनकर क्या चेहरा उतरेगा वो तो कहीं आता है कहीं जाता है चेहरा इस बात का कि इतना बड़ा ज्ञान उसकी इतनी कीमत वो तो लाजवाब है ईश्वर की चर्चा उसकी कीमत नहीं है अमोल है लेकिन क्या इतनी कीमत मांगी ठीक है मोन कोई बात नहीं चलो वहां फिर गड़बड़ हो जाती है बात लोग ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं लेकिन जिसकी बात करते उसी बात पर उनको खुद कोई भरोसा नहीं जिसकी बात करते उस पर उनका ही भरोसा नहीं बात करेंगे योगक्षेम वहां में हम परमात्मा की जवाबदारी है जो उसके भरोसे रहेंगे उसका भरण पोषण उसे करना पड़ेगा जंगल में जाकर क्यों ना बैठे सुने है ना आपने मलुकदास जी की बात संत मलुकदास याद आ गई संत मलुकदास ने सुना कि वो परमात्मा सबका भरण पोषण करता है मुझे प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना चाहिए अगर ऐसा है तो राजस्थान के संत मलुकदास बड़े जाने माने हो गए एक बार उन्होंने प्रयोग किया एक घने जंगल में जाकर ये गहरे पेड़ के ऊपर बैठ गया था आज मुझे देखना है कि तू सबकी खबर रखता है क्या आज तक सुना हमने बहुत मान भी लिया है लेकिन अब देखना है वास्तविक में तू है क्या सबका दाता योगक्षेम वहां में हम इस शब्द पर है क्या तटस्थ ये केवल घोषणा है संत मलुकदास बैठे पेड़ पर एक दिन भर हो गया सूखा बैठा अब जंगल में ऐसी जगह वहां कौन जाए उसको कुछ देने के लिए और क्यों जावे लोग पता भी नहीं किसको दो दिन हो गए को भी खबरदार है बैठा है चाहे शरीर चला जाए लेकिन मुझे देखना है क्या वास्तविक में तू सबका ध्यान रखता है ईश्वर को कहता है बैठा ना तीसरा दिन आया बिना खाए पिए पानी वानी कुछ नहीं बैठा है तीसरा दिन आया जगत नियंता को चिंता हुई मलुकदास बहुत पक्का है प्राण त्याग देगा लेकिन ये बंदा मानेगा नहीं ईश्वर अंतर्यामी है करने के पहले ही समझ जाता है उन्हें तो कि ये क्या कहां तक जाएगा और क्या करेगा सवाल ही नहीं लेकिन करने देना ये कर्तव्य है नहीं करने दे तो कहानी नहीं बने मलुकदास बैठे और जाकर पहुंच जाते तो कोई इंटरेस्ट नहीं है होता उसमें तीन दिन भूखा प्यासा बैठा रहा तीसरे दिन शाम हो गई कहते कि एक बारात लेकर लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे कुछ उसमें का ग्रुप उसने कहा कि भूख लगी है और कोई अच्छा बढ़िया छांव वाला पेड़ देखा जाए हमारे पास सब साधन है सब चीजें है लेकिन एक गहरी छांव वाला पेड़ उसके नीचे बैठकर खाएंगे और योग लगाया ईश्वर ने कि मलुकदास जी जिस पेड़ पर बैठे थे उस पेड़ के नीचे गए बैठ गए मंडलाकार सिदोरी छोड़ी है बिछाए पत्तल परोसा है मलुकदास देख रहा है कि ठीक है
बात तो आई है, कुछ तो संकेत मिला है। जंगल में ऐसी दुर्लभ जगह, भोजन तो आया है, ले आए हैं, परंतु मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई लाकर मेरे मुंह में डाले और मेरी खुशामत करे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। योगक्षेम वहां में हम, ऐसा वचन दिया है ना ईश्वर ने। इसलिए संत मलुकदास बैठा है तटस्थ कि नहीं मांगेंगे हम, नहीं इशारा करेंगे, पता नहीं चलने देंगे कि हम है इधर। और ये लोग बैठे हैं और कथा आती है, अचानक एक की दृष्टि गई, कितना अच्छा बढ़िया पेड़ है, कितनी छाव, कितना घना। यूं करते करते अरे वो कौन है, देखो। सबने देखा, एक शेर भगवान शेर का रूप लिए। इसके बाद भोजन वक्त पर वो बैठे थे, भगवान ने शेर का रूप धारण तो भाग गए सब। बात तो कौन भाग गए, मलुकदास? बरात वाले तो भागेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुरानी बात है, तो गोपाल चेतन को भी जो बराबर नहीं जमाना। हाँ थोड़ा सा उसमें एक अलग टेक्निक है। क्या था अलग? भोजन तो परोसा और फिर जो है भगवान वहां शहर का रूप लेते हैं, और शहर के रूप में जब दहाड़ मारी तो ये सारे लोग भागे। सिदोरी भोजन छोड़कर भाग गए, पलायन कर गए, जान बचाओ, भोजन गया तो गया। ये सारी गम्मत मलुकदास जी देख रहे कि बात तो बिल्कुल आ रही है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है मेरे मुंह में डाले कोई। ठीक है, भोजन आ गया, शहर आकर उनको भगा दिया, शहर तो भोजन नहीं करेगा, परंतु मैं उतर कर नहीं खाने वाला, बैठा है तटस्थ। भगवान एक एक करते हैं, देखते हैं उसका रास्ता क्या करता है। बड़ी विचित्र बात है, आप जब तक कोई नियम न लो जीवन में, तब तक आपको ईश्वर शक्ति का अनुभव नहीं होगा। और जब कोई नियम, तटस्थ नियम, तब ईश्वर शक्ति का अनुभव होगा। जब तक आप सोचो कि मैं कभी भी सोऊं और कभी भी जगूं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कोई जगाता है। और जिस दिन आप प्रतिज्ञा ले लो कि कल से मुझे इस समय खड़े होना है और इतने दिन शिविर है या इतने दिन अमुक कार्यक्रम है उसमें मुझे भाग लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस समय कोई आपको जगाएगा, चाहे स्पष्ट इशारे हो या किसी के माध्यम से। और फिर आप भाव से भर जाओगे कि हाँ कोई तभी है। देखो ना ये कैसे संभव है। जंगल में भूले पड़ गए आप, आपके मदद करने के लिए कोई नहीं है, और ऐसी जगह ऐसा मददगार पहुंचेगा, तब ईश्वर की याद आएगी आपको कि धन्य है तेरी लीला, तू हर जगह ध्यान रखते। बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए मलुकदास जी ने देखा कि मैं उतर कर नहीं खाऊंगा। शहर के दहाड़ से लोग तो भाग गए जिन्होंने भोजन परोसा है, और सुना है कि चोर जा रहे थे रास्ते से, उनको बहुत भूख लग रही थी, चोर लोग और अनाश्रुति उसी पेड़ के निकट से गुजरे, उसी पेड़ के निकट से गुजरे, उन्होंने देखा अरे ये तो बड़ी दया हो गई ईश्वर की, किसी ने भोजन परोस कर रखा है, आओ आओ क्या देखते हो, जो देखा जाएगा जो होगा सो होगा। एक ने कहा कि नहीं ये असंभव बात, इतने जंगल में ऐसी जगह इतना बढ़िया भोजन लाकर परोस के रख देना और चले जाना,
और उसको खा लेना बुद्धिमानी नहीं है। इसके पीछे कोई राज है, कोई ना कोई कारण है इसके पीछे। शंखा से शंखी धोकर इधर उधर देखने लगे, इधर उधर देखने लगे तो मलुकदास बैठा। एक ने कहा कि वो बैठा है ना कोई, मेरा अनुमान ठीक निकला, कौन भोजन परोस कर जाएगा अपने लिए, इसकी कोई चाल है, कोई ना कोई धोखा है। एक दो ने कहा कि यार क्या धोखा है, वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा, भूख लगी है, भूखे का अधिकार है भोजन पर, बैठो। उसने कहा ठहरो, अगर इसमें कुछ मिला है तो हम उसे खिलाकर क्यों ना देख ले, अगर खा लेता है तो फिर तो खुली बात, नहीं खाता है तो समझ जाएंगे धोखा है। और एक भोजन की पत्रवाल लेकर चढ़ा और मलुकदास के मुंह में ठूंसता है कि खाना पड़ेगा, कुछ भी करके खाना पड़ेगा। मलुकदास कहते कि नहीं, बोले नहीं, बिना खिलाए नहीं छोड़ेंगे, खाना पड़ेगा, ये सब खाना पड़ेगा। मलुकदास ने भोजन किया और एक दोहा कही, उनके हृदय से एक दोहा निकली, ईश्वर के लिए एक धन्यवाद निकला, बहुत अच्छा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, हे प्रभु, हे दाता, हे भरण पोषण करने वाला, तूने गीता में जो कहा योगक्षेम वहाम्य हम, जो मेरी शरण होगा उसका सब मैं चलाऊं। अजगर कोई काम नहीं करता, किसी हिरण का या किसी जीव का प्राणी का प्रारब्ध पूरा हो जाता है और तू उसे अजगर के सामने से गुजरने की बुद्धि देता है और बैठे बैठे अजगर उसे खींच के अपनी भूख मिटा लेता है, उसके भी शरीर छूट जाता है, दूसरा जन्म में अजगर का पेट भर जाता है। पशु पक्षी कोई काम नहीं करते लेकिन सांप की व्यवस्था तेरे पास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे नहीं काज, दास मलूकायूं कहे सबके दाता राम, दास मलूकायूं कहे सबके दाता। हे प्रभु, भगवान को सत सत वंदन किया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका यूं कहे तू सबका दाता राम, सबका दाता राम। इसलिए बात कर रहे थे हम, कौन सी बात कर रहे मलुकदास तो हो गया, बोलो आप भी ऐसे हो जाते हो बिल्कुल मग्न, कोई तो रखा करो ना, कोई राजा बलि ने तो होली को फिर जिंदा करके चला गया, वो तो वो बजाने का नहीं बोल रहे हम, बात क्या थी बोलो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बोलते रहे हो आप सुन सुन के भूल जाओ, इसके लिए मैं खास सत्संग देता हूं बाहर, किसी को लोग नंबर में खड़े रहते हैं, हम स्पष्ट कहते हैं कि हम सत्संग करना हमारा व्यवसाय नहीं है, सत्संग करना मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, मैं तो कभी कभी प्रेमियों के दबाव में आकर जिस किसी एरिया में ज्यादा प्रेमी होते हैं, बरसों से उनकी श्रद्धा होती है, उनके दबाव बाम में आकर कभी कभी चला जाता हूं। उसको क्यों
तो मैं आपसे ऐसी अपेक्षा थोड़े रखता हूँ कि आप इधर कान से सुने इधर निकाल दे और जैसे जैसे बैठे नली फुंकली सोनारे इकड़ून तिकड़े गेले वारे काई फर्क पड़ला नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये थोड़ी अपेक्षा है मेरी है। हाँ हाँ ढूंढा तुमने ढूंढा ढूंढा तुमने जमाना ही दादागिरी का। सीधे सीधे रेत कौन बोले। ढूंढा उन्होंने खोजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ढूंढा। तुकाराम महाराज की बात कर रहे हैं। आनंद के विषय में बात चल रही थी कि वो आनंद हमारा जो है हमारा स्वरूप है वो नहीं जाता, उसके ऊपर दुख का आवरण आ जाता है। परिभाषित होता है दुख, आवरण होता है, आनंद नहीं होता। तो साधारण व्यक्ति तो दुख आया तो दुखी हो गया, सुख आ गया तो सुखी हो गया, उसका आनंद से परिचय ही नहीं। जिस व्यक्ति ने आनंद की खोज नहीं की अपने जीवन में, उसको पता नहीं है कि मेरे भीतर आनंद भी है। नहीं, वो तो ये क्षणिक सुख को आनंद बोलता है। क्या बढ़िया भोजन बना, बहुत आनंद आया, आज तो पार्टी में एकदम आनंद है। अरे भले आदमी, उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद उस चीज का नाम है बिना खाए बिना पिए बिना लिए बिना दिए केवल वैचारिक से उसका उद्घाटन हो। वादे वादे जाए ची तत्व बोधा, तत्व में टिक जाना, उस सत्य में जाकर टिक जाना। और फिर सुना है आपने, वो आनंद जाता नहीं है। आ गया माने प्रकट हो गया, हो गया प्रकट हो गया, हो गया इस तरह। हनुमान जी महाराज की जय। तो क्या करते हो, वहां पर उज्जैन में कुंभ का कार्यक्रम हुआ और वहां पर जो है अपना छोटा सा शिविर लगा था। तो शिविर लगाने में शिविर का एक प्रमुख गेट बना रहे थे, कौन साधक, इंदौर के साधक शिविर का गेट बना रहे। वो जावे रात में और बड़े बड़े संतों के शिविरों के गेट देख कर, उसकी डिजाइन ऐसी इसकी डिजाइन, उसका गेट इतना बड़ा है उतना, हम ऐसा करेंगे वैसे। मैंने कहा देखो ये तो सब अहंकार के पोषण की व्यवस्था है, परमात्मा को तो ऊंचे गेट से नीचे गेट से कोई लेना देना नहीं। तुम स्वाभाविक रूप से बनाओ, सहज रूप में उतने समय में उतने साहित्य में जैसा हो जाए वैसा बना दो। अगर अहंकार का बात जहां आई कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो दाता इतना खतरनाक है, एक झटके में तुम्हारा तंबू उखाड़ के फेंक दे, तुम्हारा गेट उखाड़ के फेंक दे, क्या करोगे तुम। धूप काले के दिन थे, इसलिए जैसा तू देता है जैसी व्यवस्था है, हे प्रभु हम कहां लगे, यहां तो अपार है उसमें हम कहां लगे, ऐसी भावना रखो और फिर काम करो तो छोटे में भी आनंद आ जाएगा और पूरा समय परमात्मा उसकी रक्षा करेंगे। बेचारे गरीब है, अहंकारी नहीं है, नम्र रहते। और महाराज आप कहोगे कि बापू का कोई चमत्कार हो गया, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, कुछ नहीं, बिल्कुल बस जैसे आप वैसे विचार विचार रहते। तो हमारे पीछे एक भले आदमी ने 1.5 लाख का गेट बनाया और अकारण हमारे कैंप के साधकों को परेशान करे एक विषय को लेकर, बाथरूम में। अब बात वही हुई महाराज, एक दिन आया तूफान, उसका गेट टेंट उड़ गया, उसके एक तरफ में वो आग लग गई, उसका सब धिंगाना धिंगाना उड़ गया। बहुत खर्चा किया था, जितना खर्चा किया उतने लोग भी नहीं आए। तेरा भला हो जाए, मैं बोला देखो ऐसा होता है।
नहीं नहीं ताली बजाने जैसा नहीं, कोई खुशियां थोड़ी मना रहे उनकी बात पर। हम ये कह रहे हैं कि अहंकार अगर आया तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, 5 मिनट में फेंक दे उखाड़ के आपका तो। और नम्र झाला भूता त्याने कोंडिले अनंता, नम्रता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तेरी मर्जी कुछ भी कर, शरण में बैठे तो सुरक्षा करे पूरा दिन। सवा महीने कैंप की सुरक्षा की परमात्मा ने, गरीब लोगों को अपने और अनेक कैंपों की। इसलिए नम्रता, तो उस आनंद को कायम रखने का पावर उन लोगों में है जिसमें आनंद प्रकट हुआ है। ज्ञान जनित आनंद, विषय जनित सुख नहीं, ज्ञान जनित आनंद, विचारों से विचारों से विचारों को काट कर, वादे वादे जय चित्त बोधा, विचारों से विचारों को काट कर जो शुद्ध सात्विक स्वरूप सामने आया वो लोग समर्थ होते हैं। जैसे तुकाराम महाराज का लड़का मर गया और संदेश वाहक गया, वहां कीर्तन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, कहने वाले ने सोचा कि अभी इतना आनंद गायब हो जाए, कितना अच्छा, पांव में घुंघरू बांधकर महाराज धीरे धीरे पावली खेल रहे, आगे जाना पीछे, कीर्तन चल रहा है, फिर भी थोड़ा सा स्लो हुआ, मौका मिला और धीरे से जाकर कान में कह दिया, असा सधाला है मुल्का मारला आणि आताच तुम्हाला यावं लागेल, बंद करून द्या। प्रसंग आता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और वो कीर्तन में ही बोल गए उसको, उस व्यक्ति को, कि तेरी क्या इच्छा है, तुला काय वाटत कि मैं भगवंताचं कीर्तन सोडून परत येऊन जाई। अरे जाचे होते त्याने नेले, काय कुणाचे गेले, सगळे गेले कोटा कोटी, काय रडू एकासाठी, क्या एक के लिए भगवत भक्ति छोड़ के रहूं, कोटा कोटी गए, जो आए वो जाएंगे, मेरा तो बस वही रहेगा। और कीर्तन शुरू हो गया, विठल 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 इसलिए आनंद को जगाने के लिए, उसके ऊपर जो आवरण आ गया है उसको हटाने के लिए, आनंद कंद सचिदानंद, श्री कृष्ण आनंद स्वरूप, और श्री कृष्ण अवतार होता है और सर्वत्र आनंद ही आनंद, जैसे प्रकट हुए और प्रकट हुए दुख में, करेंगे चर्चा उस बात के ऊपर, समय हो गया है, पुनः कल के सत्र में आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। शाम में तो थोड़ा ध्यान का समय है, वो लोग अगर आ गए तो लीला का ये हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, और स्वयं सेवकों को भी सूचना दूं कि जितने अभी जैसे हमारे ये सब भाई लोग और माताएं बैठी है, वो वैसे ही आकर उस अपनी जगह बैठेंगे, भीड़ भाड़ में अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब तक, अगर वो आ गए तो आ ही जाएंगे, गए साधक, जब तक ये व्यवस्था पूरी ना हो तब तक अन्य लोगों को उसमें प्रवेश
किसी को भी, इनको भी उनको न दी। उसके बाद सब अपने अपनी जगह पर बैठे और फिर और मंडली काफ़ी जगह है अभी, तो सब बैठेंगे और बड़े शिस्त से, बड़े नियम से, व्यवस्थित ढंग से वो कार्य होगा। 3 दिन का उनका है, दिन में तो भगवत चिंतन अपन लोग करेंगे, शाम में ध्यान का भी समय है। 5 या 6 से कब है ध्यान का समय? कब है गुरुदेव? गुरुदेव हंसने वाले, ध्यान का समय 6 से 7 का ध्यान का समय। तो अभी 2-5 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके इसको विराम। वो क्या है, बहुत ही कोर्स करे हुए हमारे वाद्य वाली मंडली है, इसके लिए इस तरह का हो रहा है, थोड़ा समझ ले। दूर दूर से आए हैं, कोई औरंगाबाद रिटर्न है और कोई जो है चंगला है, चंगला चलने दे। बिल्कुल हम तुम्हारे साथ है, भी उनो कोमी तुझा पार्टी जी है ठोका। होली है क्या है? हाँ चलो हरिनाम संकीर्तन। वाजवा काल्या वाजवा हरिनाम घे फुकाचे इतना क्यों बढ़ा दे कम हमको। कल फोन आया अमेरिका से कि बापू अगले साल आपको वहां आना है, सत्संग करना है हमारे राजू का, तो वहां हम आप सबको ही ले जाना चाहेंगे जब तक हमारा बस चलेगा और माइक सिस्टम भी विमान के द्वारा बस चलेगा जब तक। इरादे वो कहेंगे कि सबसे बढ़िया आप ले आओ बापूजी, तो हम वो कहेंगे कि जो है वो ही हमारा ग्रुप अच्छा रहेगा ना। बोलिए क्या रमन हरि गो राधा रमन हरि गो। नवनागर किशोरन वल रसिया, नवनागर किशोरन वल रसिया, नवनागर किशोरन वल रसिया, नवनागर किशोरन वल नवनागर किशोरन वल रसिया, नवनागर किशोरन वल रसिया। प्यारो ब्रज को छेल मोरे मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेल मोरे मन बसिया। अरे कालिंदी, अरे कालिंदी के अकिलो राधा रमन हरि बोल, हरि बोल राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। वृंदावन सो बन नगी, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम। जमुना तट सो बंसीवट सो नहीं, कृष्ण नाम सो राधा रमन हरि बोल, जय
हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, शिव बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण 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 हरि बोल, अकियन का जल मृग सोना सो, अकियन का जल मृग सोना सो, नक बेसर जादू सोना सो, नक बेसर जादू दो रस के भरे हैं कपोल, जय राधा रमण हरि वो, राधा रमण हरि वो, जय राधा रमण हरि वो, हरि वो, हरि वो, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि वो, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, अंगराई में मृद मुस्कन से, अंगराई में मृद मुस्कन से, बजरी तीर की चितवन से, कजरी तीर की चितवन से, सुरदास, सुरदास बिका बिन मोल, जय राधा रमण हरि वो, हरि वो, राधा रमण हरि वो, जय राधा रमण हरि बोल, 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 hari bol 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 करने की जो मुद्रा है पहले दिन से सुना दूं तो अच्छा रहेगा, जो जिनको पता है उनको पता है, नवीन प्रेमियों को थोड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या तरह क्या मतलब है,
हे कशाला याची काय गरज आहे, काही पण करायला लाव, तसं नाही आहे। शरीर की भावभंगिमा जिस तरह करेंगे वैसा मन पर प्रभाव पड़ता है, उसको मुद्राएं बोलते। अलग अलग एक्शन का अलग अलग अपने ही मन पर प्रभाव पड़ता है। शरीर की जो एक्शन है अलग अलग, उसका अपने ही। आप टाइट बैठो ऐसे, एक्शन है ये एक्शन, यूं टाइट बैठो ऐसे, तो आपकी एकाग्रता होगी। यूं बैठो आप, यूं क्यों हंसने लगे, केवल डिजाइन बदली, समझ गए आप कि ये कोई बैठना है क्या, काय बसला है, ऐसा हो जाएगा। चिंता करो तो फिर यूं करो, वो चिंता की और एकदम सावधान अटेंशन में खड़ा है, ऐसा खड़ा हुआ व्यक्ति पूरा का पूरा उसी टाइम उसी जगह है, कहीं चिंतित नहीं है, कहीं गुता हुआ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वहीं है जहां वो कार्य कर रहा है, पूरा पूरा वहीं है। ये उसके एक्शन है, एकदम सावधान पूरी तरह। जब ठेकेदार लोग काम करवाते ना, ठेकेदार समक्ष खड़े रहकर व्यवस्थित, तो बिल्कुल ऐसा रहता एक्सीन। तो ये जो एक्सीन है, ये जो एक्सीन है, ये नम्रता की एक्सीन, नम्रता। सामने वाला मेरे से बहुत महान है, मैं बहुत छोटा हूं, ऐसे एक्सीन, बहुत सुंदर। सकल लोक मां सबने वंदे, गांधी जी के इसमें आया है, नरसिंह मेहता बोलते थे, उनका पद है, सकल लोक मां सबने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी से निरे। तो ऐसे बहुत अच्छा है, और ये एक्सिन लाजवाब है, ये तो बहुत ही पावर। इसमें है समर्पण, इसका भाव क्या है, समर्पण। कहते हैं कि जब लोग पुराने जमाने में युद्ध करते थे ना, युद्ध, और फिर आत्मसमर्पण करना है, हार गए मरने से बचेंगे इसलिए समर्पण करना है, तो आत्मसमर्पण, यह एक्शन कर देवे, सामने वाली पार्टी समझ जावे कि शरण आ गया, बंद करो युद्ध, छोड़ दो, शरण आ गया। तो ये शरण आने के एक्शन है, हम तेरी शरण, अभी बचा, मारो चाहे तारो, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, हम आपकी शरण, हार गए हम, बहुत अच्छी है। तो ये मुद्रा एक्सिन, तो इंग्लिश शब्द है, मुद्राएं कहते हैं उसको, अलग अलग मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, अलग अलग मुद्राएं, ये ऐसी मुद्रा है, समर्पण मुद्रा ऐसी। गोपियां कहती है निवेदिता ये समर्पिता है, कृष्ण पर अभिमान करे समर्पित। हाल लक्ष्य अच्छा है ना, फिर बुरी बात तो नहीं है, समझ लेना चाहिए हर चीज को थोड़ा थोड़े इसमें, ताकि उसके प्रति फिर जो है फ्रेश हो जाता है। अब आपका समय पूरा हो गया, 3:07 हमारे इधर हो गए, आपके 4:00 हाँ भाई, हमको क्या पता, ये प्रूफ है यहाँ पर जो है, बराबर है। अच्छा उसके 4:00 होंगे, किसके किसके ज्यादा बच जाते हैं किसी किसी के ज्यादा बच जाते हैं, घड़ी तो अपनी जगह रहती लेकिन उसके बच जाते। कई बार लोग बोलते हैं ना, मार डाला मेरे तो 12:00, जबकि बजते 8:09, लेकिन उसको चाय नहीं मिली, चाय की आदत है, और 7-8 बजे चाय पीने वाला, 6:00
सकाळी 6 वाजेले चहा पिणार आहे, पण वाजले 8 भरून टाकलं माझे 12 वाजून टाकले, ऐसा उनका बच गया होगा 4, हमारा तो 3 ही बचा है, 3 बज के दर सच्चिदानंद भगवान। हाँ पुनः शाम में और एकदम निश्चिंत और निर्भीक भाव से किसी को कोई विशेष तकलीफ हो मैसेज देने का वो सवाल हो जाएगी। अभी एक भाई आया साधक झोला टांग के, अच्छा साधक है, आते ही मुझे यहीं मिल गया वहाँ बापूजी, भुसावल में गाड़ी में आ रहा था, मेरा जेब कट गया, मेरे पॉकेट मार दिए, तो कोई बात नहीं पॉकेट मार दिए क्या बात है, सब व्यवस्था हो जाएगी, चलो व्यवस्था करो। वो अभी कीर्तन में नाचने लग गया, उसको भरोसा था कि हमारे बापू को बोलेंगे समस्या हो जाएगी, उसमें क्या बात है, अब बोले नहीं तो पता क्या चले, बोले ही नहीं यार जाओ फिर सच्चिदानंद। अच्छा जाऊं फिर, अभी शाम के समय पुनः थोड़ा सा ध्यान होगा 6 से 7 के बीच। ओ ओ ओ कुछ गलती हो जाए तो माफ करते जाना, होली के